रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है दूध। मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है, आप लोगों ने जितना दूध लेना है आप ले सकते हैं। अब हम दूध को बॉईल कर लेंगे और जब दूध को उबाला आ जाएगा तो हम इसे 1 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। अब हमने लिया है 3 टेबलस्पून पानी और इस 3 टेबलस्पून पानी में अब हम 3 टेबलस्पून सिरके के ऐड करेंगे। आप लोग चाहें तो लीमू भी ले सकते हैं, लीमू से भी दूध को फाड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग सिरका यूज़ कर रहे हैं। अब हम बहुत एहतियात से दूध में 1-1 चम्मच करके वो सिरके वाला मिक्सचर डालेंगे और फिर हल्के हाथ से दूध को हिलाएंगे और 1-1 चम्मच करके हम इस तरह डाल के तो मिक्स करते जाएंगे। इकट्ठे आपने सिरके वाला मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं डालना। ये देखें दूध फटना शुरू हो गया है। अब हम इसमें सारा मिक्सचर डालने के बाद इसको 2 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे ताकि पानी बिल्कुल ऊपर आ जाए सही से। ये देखें ये फटना शुरू हो गया। अब हम इसमें पानी भी डाल देंगे। और 1 मिनट हम वेट करेंगे। ये देखिए मैं साथ में 1 मिनट हम वेट करेंगे कि ये पानी जो है ये बिल्कुल अलहदा हो जाए, तो फिर उसके बाद हम इसको फूल लेंगे, इसे मलने के बाद। जितनी देर हमारा ये 1 मिनट मतलब हम इसे साइड पे रख रहे हैं, जितनी देर में ये होता है उतनी देर हम इसका शीरा बनाते हैं। ये देखें इस तरह पानी बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और पनीर नीचे रह जाएगा। अब एक मलमल का कपड़ा लेके उसे किसी छानने के ऊपर बिछा के तो उसके ऊपर हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे ताकि पानी सारा नीचे चला जाए और पनीर उस कपड़े में रह जाए। अब हम इसकी एक पोटली सी बना के तो इसके अंदर से पानी को सारा निचोड़ लेंगे। ये देखें इस तरह। कपड़े को वापस बिछा के पनीर को अलहदा करके हम इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालेंगे, ना ठंडा हो ना गर्म हो, जो रेगुलर पानी होता है, जो टेम्परेचर रेगुलर होता है पानी का, हमने वो इसमें डालना है और इसको फिर पोटली बना के निचोड़ लेना है। अब दोबारा से हम वही प्रोसीजर करेंगे, पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसकी पोटली बना के इसे निचोड़ लेंगे। ये प्रोसीजर जो है हम 2 से 3 बार करेंगे ताकि जो हमने सिरका बीच में डाला हुआ है वो भी पानी के साथ निकल जाए, उसकी खटास सारी ख़त्म हो जाए और पनीर भी ठंडा हो जाए। इसको अच्छे तरीके से हमने निचोड़ लेना है ताकि पानी बिल्कुल पनीर के अंदर से अलहदा हो जाए, पनीर बिल्कुल खुश्क हो जाए। आप चाहें तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए किसी जगह पर लटका भी सकते हैं ताकि पानी बिल्कुल अंदर से निकल जाए। अब हम पनीर को एक प्लेट में निकाल के तो इसको अच्छे तरीके से हाथों से मस लेंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह से नरम हो जाएगा तो फिर हम इसके बॉल्स बनाएंगे। आपने इसे अच्छी तरह से जैसे मैश कर देना है, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए पनीर आपका, तो फिर हम इसे आगे बॉल्स इसके बनाएंगे। ये देखें ये बहुत अच्छे तरीके से गूंदा गया है, बहुत अच्छे से मैश हो गया है।
अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। अब हमने एक खुला पतीला लेना है, उसमें हमने 4 गिलास पानी डाल लेना है। खुला पतीला इसलिए लेना है क्योंकि ये रसगुल्लों ने फूलना होता है, तो हम ज़्यादा खुले बर्तन में इसको बनाएंगे। अब जी इसमें चली गई चीनी, 1 कप चीनी, 1 कप चीनी से ज़्यादा चीनी ना डालिएगा, क्योंकि अगर शीरा ज़्यादा गाढ़ा बना तो रसगुल्ले अकड़ जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, इसलिए हमने चीनी ज़्यादा नहीं डालनी, चीनी हमने सिर्फ़ 1 कप ही डालनी है। अब हम इसमें 3 छोटी इलायचियाँ डाल देंगे खुशबू के लिए। चीनी अच्छे से घुल गई है, शीरा रेडी है, इसमें हम रसगुल्ले डाल रहे हैं। अब हम इसको ढक के 7 मिनट के लिए तेज़ आग पे रख देंगे। ये देखें जी जनाब, रसगुल्ले हमारे फूल गए हैं अच्छे तरीके से। अब हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बगैर ढक्कन रखे पकाएंगे, ताकि ये अच्छी तरह अंदर से गल जाएं, कच्चे ना रहें, मतलब अंदर तक पक जाएं। इनको मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं। अब ये रसगुल्ले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको थोड़ी देर के लिए फ्लेम बंद करके तो रख दें, और उसके बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो इन्हें सर्विंग बाउल में डाल दीजिएगा।